देखो बर्फ भी टूट जाएगी। अभी शरम मत ये बात, प्लीज कुछ तो कर मुझे बचा ले। नागिन शकुन देखो 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 देखो, अरे देखो ना कैसे रुद्र के रक्षक अपनी रक्षा के लिए भीगी बिल्ली की तरह चिल्ला रहा है। शकुन मजा आ रहा है ना, देख 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 देख, देख क्या क्या खाक मजा आएगा। अरे आपने तो मेरे मजे का किरकिरा कर दिया। मैंने अपनी आहू के साथ क्रिसमस पर घूमने का प्लान किया था और आप हो कि हमारी खुशी से जलते हो। आप तो छुट्टी दे दो, तुम अपने गुफा में यहाँ पर मुंबासा मुंबासा गुरुकाल वेरी हैप्पी करते रहना। शकुन के बच्चे तेरी यही मत, मेरी नकल उतारे गुरुकाल की नकल। गुरुकाल खबरदार मेरी नकल उतारी तो तूने। मुन्ना मतलबी, जलन जलेबी और ननकू नफरत, तुम तीनों का साबित करने का वक्त आ गया कि तुम तीनों गुरुकाल के शैतानी भतीजे हो। माया और अभी नीचे उतर गए, अब जाओ जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा करना। हा? जी चाचा जी, जी चाचा जी, जाओ। नाचीज को मुन्ना मतलब ही कहते हैं। बात करूं तुम्हारे मतलब की, बोलो कहां से आए हो, कहां जाना है, पहुंचा दूंगा तुम्हें। जी दरअसल वो हम लोग ये फ्रेंडली दिखता है लेकिन लगता नहीं है, कुछ मत बोलना। अच्छा बिना कुछ बोले भी मतलब ही बनाएगा ये मुन्ना मतलब ही। पहले तो कभी नहीं देखी। हेलो मेरा नाम जलन जलेबी है, मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं, मैं किसी को जाने बिना उनसे दोस्ती नहीं करती। अच्छा मर्जी तो तुम सिर्फ इसकी मानती हो, ये कहे तो उठो ये कहे तो रुको,
इसके कहने से तुम दोस्त भी बनाती हो? क्या है तुम्हारा बॉस है? वो मेरा बॉस नहीं, वो मेरा भाई है। भाई? भाई नहीं, भाई नहीं, कसाई। हमेशा खतरे में ये तुम्हें डालता है, और जब इसे वावाई लूटनी हो तो खुद आगे आ जाता है, और इसकी वजह सिर्फ वो मायावी चाबी है, जिसकी वजह से हमेशा तुम इसकी परछाई बनकर रहोगी। तुम अपनी कोई पहचान नहीं बना पाओगे। क्या तुम्हें कभी से जलन नहीं होती? मुझे नहीं पता कि तुम हमारे बारे में कितना जानते हो, लेकिन एक बात बता दूं, अभी मेरा भाई है, और जब लोग उसकी तारीफ करते ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और भाई की परछाई बनकर मेरी पहचान बने, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मुझे कभी जलन नहीं होती, मुझे खुशी होती है। जलन नहीं होती तो अब होगी। मेरे अनमोल भाई, एक मुन्ना मतलबी तो दूजा जलन जलेबी। जब तुम दोनों की दाल नहीं गली तो मैं क्यों जाऊं उनकी गली? बिना मतलबी और जलन से जले मैं उनमें नफरत पैदा करूं तो करूं कैसे? उनके पास जाना है बेकार, इससे अच्छा मैं कर लेता हूं आराम। सॉरी चाचा जी। सॉरी गुरु का पैर यहां। बासा, तुम्हें क्या लगा कि तुम सॉरी कह दोगे तो चाचा खुश हो जाएंगे? नहीं, तुम तीनों अपने काम में नाकामयाब हुए हो। आए और रवि को ना मतलब ही बना सके, ना उनमें चलन पैदा कर सके, पर तुम ननकू नफरत, तुमने तो कोशिश ही नहीं की। अब क्रिसमस शुरू होने में कुछ समय बाकी है, मुझे ही करना होगा कुछ। मेरा प्यारा शकुर, मेरी वफादार नागिन, तुम दोनों पे मेरी सारी उम्मीदें टिकी हुई है। आओ मेरे पास आओ। देखो, तुम दोनों गुरुकाल की बात मानोगे तो गुरुकाल तुम दोनों की बात मानेगा। देखो, क्रिसमस आ रही है, छुट्टी आ जाइए ना। इस बार एक दिन नहीं, दो दिन छुट्टी दूंगा, दो दिन। दो दिन की छुट्टी? दो दिन की छुट्टी? लेकिन गुरुकाल, अपना काम हो जाने के बाद कहीं तुम मुकर तो नहीं जाओगे? मेरे प्यारे शकुर, भरोसा रख, तुम दोनों मिलकर मेरा एक काम करो, अगर वो काम कर दिया फिर छुट्टी मनाना। हो मेरे पास बात बताता हूं। हाँ? दस घंटे बचे, हमें तो कहीं रास्ता भी नहीं दिख रहा। बॉस, वो देखो, गुटका के चमचे चमचे, यानी शकुन नाके। इसका मतलब? इसका मतलब कि सेंटा क्लॉज विश्व और मामा जी को अगवा करने के बीच उस गुरुकाल का था, कहा था ना मेरे माया, हम लोग ना इनका पीछा करते, यही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। चल। यहाँ तो पहाड़ खत्म होते हैं ना, तो ये लोग बिना रुके कैसे चले जा रहे?
मुझे तो लगता है कहीं ये लोग हमें बेवकूफ बनाकर गुमराह तो नहीं कर ले। मुझे भी लगता है ना कि ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे। ओह माय गॉड बॉस, इन्होंने मेरे 2 घंटे वेस्ट कर दिए। तू अपने बहुत सही रूम रख और चलो चलो देख कि यहाँ बाहर में अंदर जाने का कोई रास्ता तो नहीं है। ये बॉस, हमें ये भी तो नहीं पता ना कि हमारी शक्तियाँ काम भी करेंगी या नहीं करेंगी। और वैसे भी अब टाइम के हिसाब से ना रात हो रही है। लेकिन सूर्य के हिसाब से तो अभी दे देना, और जब तक सूर्य की रोशनी हमारे साथ है तब तक हमारी शक्तियाँ भी हमारे साथ है। इस इलाके में 12 बजे तक सूर्यास्त होते, तू टेंशन मत ले हर दोनों से। लेकिन बॉस, इतने बड़े इलाके में भी शक्तियों के साथ ना घंटे बीत जाएंगे और हमारे पास समय भी बहुत कम है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। वो देख, इस पूरी पहाड़ी पर उतना हिस्सा नहीं चमक रहा और बिल्कुल खा रहे, इसका मतलब अंदर जाने का रास्ता भाई है। चल जल्दी। जय शैतान, अभी और माया गुफा में आकर फंसेंगे, और ऐसी गुफा जहां पर मेरे भतीजों का साम्राज्य चलता है। स्वार्थ, जलन और नफरत में वो लोग ऐसे फंसेंगे कि बाकी का बचा हुआ समय चुटकी भर में निकल जाएगा। तीनों का एक दूसरे से लड़कर होगा अंत, और अंत में होगी वो माया विचाबी गुरुकाल की। गुरुकाल की। जय शैतान। दिखाई भी नहीं दे रहा। माया, माया क्या हो गया तुझे? माया, माया क्या हो गया? डरो मत, उन्ना मतलब ही तुम्हारा भी यही हाल करेगा। रंगीजा को हवा में नहीं घुल जाता, मैं सांस नहीं लूंगा, लेकिन एक्टिंग ऐसी करूंगा कि जैसे मुझ पर भी धुएं का असर हुआ। जब देखो अपना सिक्का जमाता रहता है, ये मेरा नदीम। अब बॉस, अब तू होता कौन है हमें ऑर्डर देने वाला?
जाना ने तो इन्हें मतलब ही बना दिया। अब जलन जलेबी के तड़के की बारी है। मैं कौन हूँ ये तुम जरा पूछो ना। मैं हूँ हम तीनों का बॉस और तुम दोनों मेरे गुलाम हो। अभी ये कर अभी वो कर, दिन भर अभी 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 करके मेरे पीछे पड़े रहते हो। चल उधर, तेरी मायावी चाबी की वजह से देखना एक दिन वो मायावी चाबी मेरे पास होगी, क्योंकि हम तीनों में से सबसे पावरफुल मैं हूँ। तेरी सुपर स्पीड की पावर और तेरी मायावी चाबी से जलन होती है। लेकिन एक दिन मैं तुम्हें मारकर वो सब आजमा लूंगी। ओए हद तो लगा कर दिखा, बाद में मैं दिखाता हूँ तेरी परछाई के साथ साथ मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। अभी तो दूर रहे। नहीं जाती, क्या करने का बोल। क्या करने का? गुरुकाल की चाल कभी खाली नहीं जाती। जय शैतान। बस कुछ ही समय में क्रिसमस शुरू होने वाली और धीरे धीरे रुद्र के रक्षक भी मेरे पतिजों के वश में एक दूसरे को खत्म करते जाएंगे और मेरे हाथ लगेगी वो मायावी चाबी। जय शैतान, जय शैतान, जय शैतान। इतनी खुशी मिल रही है मुझे कि पल पल साल का लग रहा है, अब रहा नहीं जा रहा है। कब मरेगा अभी और कब मेरे हाथ लगेगी वो मायावी चाबी। मायावी चाबी। अच्छा हुआ जलन जलेबी के साथ वो कबूतर ही चली गई, वरना मैं उसे वहीं पर ही खत्म कर देता। अब उसके खाने पीने का और उसके साले खेलने का सब मेरा होगा। हाँ बिल्कुल विशु, अब मैं तुझे एक सलाह दूंगा, तू एक काम कर, तू भी उसके साथ चले जा, तो यहाँ के सारे खिलौने मेरे हो जाएंगे। अरे मेरे अकल के कच्चो भांजो, समझ में नहीं आता तुमको? अरे वो पिंदरी तुम लोगों से ज्यादा चालाक निकली, देखा वो माया किसी अकेले अकेले चली गई उस गुफा में। क्या पता उस गुफा में उसे अच्छे अच्छे खाने पीने को मिले, अच्छे अच्छे तोहफे मिले, अच्छे अच्छे खिलौने मिले और वहाँ तो कोई बांटने वाला भी नहीं होगा। नहीं नहीं हट जा, अब अगला नंबर। ये सारे खिलौने होंगे मेरे। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा, ये मेरा। अरे तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? ये सब उन तीनों शैतानों का किया धरा है। तुम्हें मतलब ही बना दिया है, तुम्हारे अंदर जलन का बीज बो दिया है। मत लड़ो। बुड्ढे बंद कर अपनी बकवास। और ये बटन सोने के है ना, ये विश्व को अच्छे लगे, ये विश्व को चाहिए, ला दे ये विशु। अरे विशु ये सारे सोने के बटन ना मेरे होंगे और ये मेरी शर्ट थोड़ी अच्छी लगी, इन्हें तो मैं लूंगा। तूने विशु को धक्का दिया। अरे तूने विशु को धक्का दिया। ठंडा के सोने के बटन पर से मेरा आके उससे मैं तुझे नहीं लेने दूंगा, चिंता नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं मार डालूंगा। नहीं अरे बटन तो सिर्फ मेरे ही होंगे। मारो मारो एक दूसरे को मारो। तुम दोनों एक दूसरे को मार दोगे तो सेंटा के सारे सोने के बटन मेरे हो जाएंगे। We'll be right back.